द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, उसे क्या बोलेंगे हम, फ्रीजिंग पॉइंट। तो अभी इसका भी कल लास्ट क्लास वाला जैसे रिवाइज कर लेते हैं। अगर हमने एक लिया है प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, और उस सॉल्वेंट में हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है, ठीक है, तो वो बन गया सॉल्यूशन, तो इट हैज नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अब बताइए सॉल्वेंट को अगर ए पॉइंट से लिख रहे हैं और सॉल्यूशन को बी पॉइंट से, तो मुझे बताओ किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का? सॉल्वेंट का। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं काफी टाइम से कि जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाता है, डिक्रीज। नाउ अब यहाँ पे एक टर्म आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। म्यूट कर लो, आवाज आ रही है यहाँ पे। मनु आपकी आ रही है सर, वापस से मनु तेरी आवाज, मनु तेरी आवाज है। अरे म्यूट कर लो, दो बार आ रही है, रिपीटेशन हो रहा है। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या था, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑन एडिशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीज क्यों आ रहा है, क्योंकि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते ही वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज जाता है, मतलब वी कैन से वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो अभी ये ग्राफ देखते हैं, ये ग्राफ है वेपर वर्सेस वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का, ठीक है। इस ग्राफ में अगर हम देखें तो एक पॉइंट हमने ड्रॉ किया है सॉल्वेंट का और एक पॉइंट ड्रॉ किया है सॉल्यूशन का। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हाई होगा और जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, लो। जैसे जैसे हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा, इन अ कर्व, एक कर्व बनाता चला जाएगा और वेपर प्रेशर विल डिक्रीज। अब जैसे ही वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो वी विल फॉर्म अ कर्व, एक्चुअली ये कर्व नहीं बने तो जस्ट इसको कर्व वाले फॉर्म में ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो यू कैन से एक ऐसे कर्व आया। अब ये वेपर प्रेशर रेगुलरली डिक्रीज हुआ, लेकिन आप समझ रहे हो ये वो पॉइंट है जहां पे लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में आ गया, ठीक है, लिक्विड और वेपर में इक्विलिब्रियम में आ गया। इसके बाद अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो जस्ट फ्रीजिंग स्टार्ट हो जाएगी। सॉरी, ये लिक्विड वेपर गलत लिखा है मैंने, लिक्विड एंड सॉलिड इक्विलिब्रियम। अब अगर आप टेम्परेचर इसका डिक्रीज कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा, सॉलिडिफिकेशन की तरफ, फ्रीजिंग साइड। तो अब जैसे सॉलिडिफाई होगा तो वेपर प्रेशर बहुत तेजी से डिक्रीज होगा। मतलब ये जो ग्राफ है, अगर इस ग्राफ को मैं लीनियरली प्लॉट करता तो ये प्लॉट होता बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइक दिस, ठीक है। तो ये ग्राफ प्लॉट होता इस टाइप से और मैं यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूँ कि ये पॉइंट है, मान लेते हैं ये, मैं इसे रेड कलर से शो कर रहा हूँ, ये वो पॉइंट है जहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। बट अब क्योंकि सॉलिडिफाई हो गया है तो सॉलिडिफिकेशन की वजह से वेपर प्रेशर में डिक्रीज बहुत ही फास्टली होगा, तो यहाँ से वेपर प्रेशर एक दूसरा कर्व बनाएगा डिक्रीज इन, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा है कि प्रैक्टिकली ग्राफ कैसे जाना चाहिए था, ठीक है, प्रैक्टिकली तो कर्व ऐसे जाना चाहिए था, बट अब और ज्यादा शार्प डिक्रीज हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ से फ्रीजिंग स्टार्ट हो गई। देखो यहाँ पे जो चीज आपको ध्यान रखनी है, लिक्विड सॉलिड यहाँ इक्विलिब्रियम स्टार्ट हुआ है और जो वेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे डिफाइन है, दिस वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इन लिक्विड स्टेट, ठीक है। जिसे हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब जब आइस बन रहा होता है तो वाटर का टेम्परेचर भी जीरो होता है और आइस का टेम्परेचर भी क्या होता है, जीरो। जैसे जीरो हम बात करते हैं तो आइस और वाटर दोनों जीरो होते हैं। जो मैंने आपको बोला भी था कि आप कर सकते हो कि फ्रीजर में वाटर बॉटल रख दो 1.5 घंटे के लिए और फिर बाहर हिट कर दो फ्रीजर से। एप्लीकेशन ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल था जो मैंने आपको बताया था। यस सर, प्रेशर बढ़ा देते हैं। तो आइस वाटर इक्विलिब्रियम है यहाँ पे। अब क्या है, इसका टेम्परेचर डिक्रीज होंगे तो फ्रीजिंग स्टार्ट होगी। टिल हियर दोनों चीजें वाटर वाली फॉर्म। अब आते हैं सोल्यूशन वाले पॉइंट पे। ये ग्राफ थोड़ा अच्छा सा दिखे इसलिए हम क्या करते हैं, सोल्यूशन वाला पॉइंट थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ऐसा करते हैं कि इस पॉइंट को पूरा रेड से ही ड्रॉ करते हैं। अब सॉल्यूशन का भी क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो धीरे धीरे वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा उसी इस तरीके से, और वो ये वाला पॉइंट होगा जहां पे लिक्विड और सॉलिड क्या होगा, एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में होगा। क्लियर है? तो ये जो पॉइंट था, दिस इज टी नॉट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और ये जो पॉइंट होगा उसे क्या बोलोगे, टी एफ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन,
सॉल्यूशन, दिस इज डेल्टा टीएफ। इसका फॉर्मूला डेरिवेशन सब बिल्कुल सेम जाएगा जैसे हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में किया था, तो मैं इसलिए सीधे इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। इट्स फॉर्मूला इज, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, IKM molarity. डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू IKF molarity. Molarity. Yeah, you can say I molarity. F molarity. W2 by M2 into 1000 by ठीक है। अच्छा अभी मेरा एक क्वेश्चन है कि जो डेल्टा टी है वो किसके इक्वल होगा, तो ऑब्वियसली इट इज वो होगा एम टी नॉट माइनस वन आर टी एफ। अब डेल्टा टी एफ क्या हुआ, डिप्रेशन कितना डिक्रीज हुआ, तो फ्रीजिंग पॉइंट तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन का कम है ठीक है, तो ये हो जाएगा टी नॉट माइनस टी एफ। तो टी नॉट माइनस टी एफ है। अब क्या कहते हैं यहाँ पे T not गया, what is T not here? अब मैं दोनों लिख देता हूँ, pure solvent का freezing point और boiling point, pure solvent, क्योंकि दोनों में T not है ना, आपने last class वाला graph भी देखा है ठीक है। And then what is TF? TF क्या होता है? Freezing point of solution. Freezing point of solution. Solution freezing का? Point of solution containing non ठीक है। Now what is W1 here? कोई बताएगा W1 क्या है यहाँ पे? इसे काले वेट ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, हां वेट गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन ये जो सॉल्वेंट होगा ये सॉलिड फॉर्म में होगा लिक्विड फॉर्म में होगा? सॉल्वेंट तो लिक्विड फॉर्म में होगा, लिक्विड नहीं सॉलिड होगा, सॉलिड लिक्विड सॉलिड हो जाएगा तो सॉल्यूशन ही रहेगा वो तो ठीक है। और डायरेक्ट कुछ एक्स्ट्रा सोच रहे थे, सोच रहे हैं इसीलिए मैंने पहले इस बार पॉइंट को क्लियर कर दिया, नहीं तो आगे तुम सब गड़बड़ करते। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट समझ आ गया सभी को? ये सब सॉलिड से पता नहीं कौन सा बन जाता है। अच्छा अब चलो एक क्वेश्चन करवाता हूँ जिससे तुम्हें चीजें और क्लियर हो। हिमांशु म्यूट करते हैं, आ रही आवाज, रिपीट हो रही है, एवरीबॉडी म्यूट योरसेल्फ। नाउ अब एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, वैसे तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 273.15 होता है, बट हम क्या करते हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए 273 केल्विन ले लेते हैं ठीक है। ऑन एडिशन ऑफ 15 ग्राम ऑफ यूरिया इन, इसके बहुत सारे पार्ट करेंगे मैं तो ऑप्शंस लिख देता हूँ यहीं पे, फर्स्ट इन 900 से कैलकुलेशन इजी नहीं होगा, तो इन 800 ग्राम ऑफ वाटर फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, थर्ड पार्ट इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, फोर्थ पार्ट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो 15 ग्राम ऑफ यूरिया को ये अलग अलग चार डिफरेंट सॉल्यूशन में क्या किया, डिसॉल्व किया। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ठीक है। और मान लेते हैं कि इस क्वेश्चन में जो केएफ है वाटर का, क्योंकि सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, केएफ डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तो ऑब्वियसली यहाँ पे केएफ यूरिया का चाहिए, वाटर का चाहिए 1.86 केल्विन, वाटर का चाहिए सर पर केजी। नाउ एक पार्ट मैं कर देता हूँ, दूसरा आप कर लेना ठीक है। तो यूरिया इज अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो वेंट ऑफ फैक्टर 1 होगा। तो जैसे फॉर्मूला है डेल्टा टीएफ इक्वल टू आई केएफ डब्ल्यू2 बाय एम2 into 1000 by W1, तो केस वन, फर्स्ट केस में डेल्टा टी एफ कितना आ रहा है, डेल्टा टी एफ इज 1.86 into 15 by 60 into 1000 by 800 ठीक है। सॉल्व करते हैं, ये तो सेम रहने वाला है 1/4, तो ये आ गया we get here, हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है 1.86 इनटू, देखना कैलकुलेशन सही जा रही है, 5 बाय 60 सही आएगा,
अच्छा 1000 भी हां 1000 भी है तो 1.86 into 5 by 16 कोई कैलकुलेटर से करके बताओ फटाफट टाइम सेव हो जाएगा ये ऐसा कर दिया 572.56 तो डेल्टा टीएफ आ गया आपका 0.58 तो आप एप्रोक्सीमेटली 0.6 ले लो ठीक है अब टी नॉट कितना डेल्टा टीएफ किसके इक्वल होता है इट इज इक्वल टू टी नॉट माइनस टीएफ व्हिच इज इक्वल टू 0.6 वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 273 माइनस टीएफ फाइनल आंसर आएगा सर 254.4 अब मुझे फटाफट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट करके बताओ इसका सर अगले का आएगा 272.1 सेकंड पार्ट में वेरीफाई करो सभी हां एप्रोक्सी है ना सेकंड का हाँ ठीक है मैंने 272 केल्विन ले लिया ताकि मुझे जो चीजें समझानी है उसमें आसानी रहे सेकंड का 270 हां थर्ड वाले का 270 हां थर्ड का 270.07 सेकंड का थर्ड का हां ठीक है मैंने थर्ड का 270.675 ठीक है मैं 270 ले लेता हूं फोर्थ का बताओ फोर्थ फोर्थ है 100 ग्राम मगर थर्ड का आएगा 269 कुछ आएगा 269 थर्ड का एक मिनट थर्ड का निकाल रहा हूं सर फोर्थ का 269 पॉइंट समथिंग आएगा थोड़ा फोर्थ का ही 268.35 ऐसा करते हैं एप्रोक्सीमेटली 268 ले लेते हैं ठीक है 268.35 हां तो आप देखो हम जो एक बार मुझे फटाफट सारे केसेस में टेम्परेचर बता देना फर्स्ट केस में कितना टेम्परेचर था सेकंड में कितना था थर्ड में कितना था और फोर्थ में मैं ही लिख लूंगा इतनी देर में तो 272.4 कैलसी से किया था इसलिए गुड आई नोट नहीं किया 272 वैसा ग्रेजुअल डिक्रीज हुआ है टेम्परेचर में जब आप वाटर को फ्रीज करना शुरू कर रहे हो ठीक है और वाटर आपने लिया है मान लो मैंने आपको बोला है कि 1000 ग्राम वाटर ले लो कितना 1000 ग्राम सभी अपने आपको म्यूट कर दो और सुनो 1000 ग्राम वाटर लो और अगर मैं 1000 ग्राम वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज करता हुआ लाता हूं 272.4 केल्विन और उसमें मैंने 15 ग्राम यूरिया डाल दिया तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि उस टाइम पे कितना सॉल्वेंट होगा कि टेम्परेचर 272.4 रहे तो देखो तो 200 ग्राम बच जाएगा बाकी सारा सॉल्व हो जाएगा तो देखो आपने देखा था कि 800 ग्राम पे था ना ये टेम्परेचर तो वाटर तो फ्रीज हो जाना चाहिए था 273 केल्विन पे लेकिन यूरिया के डालने की वजह से उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया और 272.4 केल्विन पे जो लिक्विड स्टेट में वाटर रहेगा तो वाटर इन लिक्विड स्टेट इज 200 ग्राम लिक्विड स्टेट में जो वाटर होगा वो 800 ग्राम होगा क्योंकि मैंने ये बात आपसे पहले ही पूछी है न्यूमेरिकल में कि व्हाट इज W1 हियर देखो जरा मैं सर्कल कर रहा हूँ मार्कर से W1 इज वेट ऑफ सॉल्वेंट इन लिक्विड लिखा सकते हो 800 तो इसका मतलब 800 ग्राम जो है वो क्या रहेगा लिक्विड और बाकी सब क्या हो जाएगा बाकी सब क्या हो जाएगा बोलो फटाफट आइस सॉलिड आइस बन जाएगी तो यहाँ पे आप जब 1000 ग्राम पानी का टेम्परेचर 273.4 केल्विन पे लाओगे तो 200 ग्राम बर्फ जम जाएगी एग्री हो सभी बोलो डाउट है किसी को
अब टेम्परेचर मैंने अब टेम्परेचर में डिक्रीज करके ला रहा हूँ 272 केल्विन. तो अभी पहले की न्यूमेरिकल से हमें क्लियर है कि 272 केल्विन के लिक्विड वाटर कितना था 500 यानी कि 500 ग्राम बर्फ जम जाएगी 500 आइस. हाँ फिर उसके बाद मैंने क्या किया इसका टेम्परेचर दोबारा से डिक्रीज किया T3 पे. T3 कितना था 270 केल्विन. अब उस केस में लिक्विड वाटर कितना है थर्ड केस में 200. तो 200 ग्राम रह गया यानी कि आइस कितनी हो गई यहाँ पे 800 ग्राम. फिर मैंने इसका टेम्परेचर डिक्रीज किया T4 पे और उस टाइम पे इसका टेम्परेचर हो गया 268. तो वाटर कितना है अब तो 100 ग्राम 900 और आइस कितनी रह जाएगी 900 करने के लिए. मतलब समझ रहे हो वाटर तभी फ्रीज होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे जब वो एकदम प्योर होगा. अगर उसमें कुछ भी नॉन डिसॉल्व सॉलिड होगा तो कभी भी उसको प्योरा प्योरीफाई करना बहुत ही वो सॉलिडिफाई करने के लिए टेम्परेचर इतना डिक्रीज करते रहना पड़ेगा. ठीक है अब देखो ये अगर ये कंसेप्ट समझ आया तो अब आपके जो आप बाद में ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है और इम्पोर्टेंट है आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है. क्वेश्चन होता है कि 15 ग्राम ऑफ यूरिया is dissolved in 900 gram of water. कितने ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया 900 ग्राम ऑफ वाटर. ठीक है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ आइस क्रिस्टलाइज आउट एट. तो मान लेता हूं कि मैं टेम्परेचर लिख लेता हूँ 270 केल्विन. ठीक है जैसे ही न्यूमेरिकल आए तो सबसे पहले आपको बोलूंगा मैं डेल्टा टीएफ निकाल लो टी नॉट माइनस टीएफ. तो 273 माइनस 270 इट इज 3. फिर आप फॉर्मूला यूज करो डेल्टा टीएफ आई केएफ इनटू एम मोलालिटी. डेल्टा टीएफ 3 वेंटा फैक्टर यूरिया का 1 केएफ वैल्यू 1.86 मोलालिटी 15/60 इनटू 1000/. अब यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है W1 आपको W1 ही रखना है W लेना बिकॉज आपको नहीं पता yes, कि ये 900 ग्राम वाटर में से कितना वाटर उस टाइम रह जाएगा. तो आपको अभी को पता ही है कि W1 कितना है यहाँ पे. जब मैंने टेम्परेचर 270 लिया था तो उस टाइम पे W1 कितना था 270 मेरा थर्ड केस है यानी 200 ग्राम. तो इसका आंसर है अप्रोक्स तो आपको समझ आ रहा है इसका आंसर अप्रोक्स 200 ग्राम. Yes, अब आपसे पूछा जाए अमाउंट ऑफ आइस क्रिस्टलाइज पूछा है कितना आइस 700 ग्राम 900 माइनस 200 700. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. बाकी न्यूमेरिकल तो इस पे सिंपल आता है कि डेल्टा टीएफ आई केएफ इन टर्म से मोलालिटी निकालो फ्रीजिंग पॉइंट निकालो. ये कॉन्सेप्ट इसका इंपॉर्टेंट है. क्लियर है सभी को. नाउ नेक्स्ट यस सर अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिस पे बेस्ड पक्का क्वेश्चन आएगा तुम्हारे नीट पे. मुझे ये बताओ डेल्टा टीएफ जो है वो वेंटा फैक्टर के डायरेक्ट होगा या इनवर्स. डायरेक्ट होगा इनवर्स होगा क्योंकि वेंटा फैक्टर ज्यादा होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीज ज्यादा खत्म होने वाली है और फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीज ज्यादा होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा कम. बोलो समझ आ रही बात. अगर किसी में ज्यादा कम हो जाएगा डेल्टा टीएफ ज्यादा होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट तो कम हो जाएगा ना. तो अगर आपसे पूछा जाए विच हैज मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट 0.1 मोलर एक्वस यूरिया 0.1 मोलर एक्वस NaCl या 0.1 मोलर aqueous CaCl2 या 0.2 molar aqueous glucose. बताओ क्या आंसर होगा. यूरिया जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी उसी का फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा. तो देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये याद कर लो. ऑल प्रॉपर्टीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई. सिर्फ दो प्रॉपर्टी है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीजिंग पॉइंट
और योर पेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये इनवर्स है आई के. ठीक है, नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करता हूँ. ये समझ आया सर? यस सर.